कुमार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले एक सरकारी आदेश दिखाने वाले अतिथि शिक्षक को 19/4/2023 को आदेश जारी किया गया है। ये भी अतिरिक्त मानदेय देने के संबंध में, ठीक है, जो भी अतिथि शिक्षक को मानदेय की जरूरत है उनको अतिरिक्त मानदेय देने के संबंध में आदेश जारी किया गया, जिसके बारे में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिए। पूरे प्रदेश भरे में मानदेय बांटा जा रहा है सभी जिलों में, ठीक है, ब्लॉक बाय ब्लॉक और DD कोड और आवंटन राशि में आपको बताने वाला हूँ कि जिले में कितना बांटा गया है। पूरी विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। वीडियो में बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिए। अपडेट के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। इसे बोला गया लोक शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शैक्षण सत्र 2022-23 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु निम्नानुसार राशि आवंटन की गई है, ठीक है, ये CL नंबर, डिस्ट्रिक्ट कोड, ब्लॉक, DD कोड और आवंटन राशि। ये सभी जिलों में राशि आवंटन की, पन्ना, बालाघाट, जबलपुर, शाजापुर, ठीक है, DD कोड नंबर दे रखा है और राशि भी दे रखी है जो राशि आवंटन की गई है, ये शाजापुर में, और DD कोड नंबर दे रखा है, ठीक है। इसमें टोटल राशि आवंटन की गई है 1,33,28,184 रुपये, ठीक है। दूसरे सीरियल नंबर में आ जाओ, इसमें डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, DD कोड और आवंटन राशि, इसमें है छतरपुर, विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद, बालाघाट, रायसेन और अशोकनगर, इसमें भी राशि आवंटन की गई है, ठीक है। टीकमगढ़, बैतूल, सभी जगह पर राशि आवंटन की गई है। इसमें बैतूल के बहुत से ब्लॉक हैं, विदिशा के ब्लॉक, दमोह का है, ठीक है, आगार मालवा, बालाघाट, इसमें राशि आवंटन की गई 2,15,40,017 रुपये। और तीसरे में आ जाओ, इसमें डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, DD कोड, आवंटन राशि, इसमें बालाघाट, गुना, इंदौर, जबलपुर, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, निवारी, रायसेन, रतलाम, रीवा, सागर और ये सीधी, उमरिया, विदिशा, यहाँ हरदा, यहाँ पर राशि बांटी गई है 15,33,74,694 रुपये राशि आवंटन की गई है। पूरे प्रदेश भर में राशि आवंटन की गई है। अतिथि शिक्षक के मानदेय भुगतान हेतु आवंटन राशि 1,33,28,184, 2,31,54,017, 15,59,74,692, कुल राशि 19,24,56,893 रुपये बांटी गई। उपयुक्त आवंटन अतिथि शिक्षक मानदेय भुगतान हेतु बजट शीर्ष मद में उपलब्ध आवंटन में अतिरिक्त किया जाता है कि राशि विकासखंड शिक्षा अधिकारी के DD कोड में उपलब्ध राशि के आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें उपयुक्त राशि का उपयोग निम्न अनुसार किया जाना है, इसके संबंध में आदेश जारी है। इसमें नंबर एक, समस्त आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सर्वप्रथम अतिथि शिक्षकों की फरवरी माह का मानदेय का भुगतान तत्काल किया जाए। फरवरी माह तक के मानदेय भुगतान लंबित होने की स्थिति में आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायित होते। नंबर दूसरा, संचालन द्वारा समय पर जारी निर्देश अनुसार मानदेय भुगतान किया जाए, नियम विरुद्ध भुगतान किया जाए संबंधित वितरण अधिकारी ही जिम्मेदार होगा। तीसरा है, वितरण न होने की स्थिति में राशि को तत्काल समर्पित किया जाए। चौथा, व्यय की गई राशि का उपयोग प्रमाण पत्र संचालन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ये संचालक है लोक शिक्षा विभाग के आदेश जारी किया, अगर राशि का आवंटन नहीं किया जाता तो तत्काल शिक्षा विभाग को वापस करना होगा, ठीक है, समस्त जगह पर प्रति भेजी।